फनकार मौजूद है जिन्होंने बहुत सारे रोल किए, अब उनको बुलाते हैं, वो किसी से आपकी बातचीत करवाना चाहते हैं, मुलाकात करवाना चाहते हैं। आपकी तालियां, तशरीफ ला रहे हैं लतीफ कापड़िया। खातिनों हजरात, ईद की मुनासिबत से एक मुलाकात। ये खातून पहले भी यहाँ आ चुकी हैं लेकिन ताल्लुकात कुछ इतने ऊंचे हैं कि दोबारा बुलाना पड़ रहा है। तो मैं दावत दे रहा हूँ बेगम आई आई सिद्रा को महल ब्यूटिशियन। लग रही हूँ मैं? अब क्या कहूँ मैं? कहिए, बहुत अच्छी। चलिए चलिए। नहीं, कहाँ जाए, कहाँ जाए? आपका इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि आप ब्यूटिशियन हैं? जी हाँ, अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, ये ब्यूटिशियन का मतलब क्या होता है? ब्यूटिशियन का मतलब बहुत आसान है और बहुत सिंपल जवाब है, मजे की बात है कि बहुत ही मुख्तसर। तो फिर बताइए। बताती हूँ, कोई और सवाल नहीं पूछ सकते आप? क्यों, मुश्किल पड़ रहा है तो और सवाल करूँ। दरअसल मैंने ट्रेनिंग ली थी जापान से। अच्छा। और जापान जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। जी। वैसे आपकी इत्तला के लिए बहुत जल्द पाकिस्तान भी जापान की तरह होने वाला। उसकी वजह ये के मेरे सामने वाले मकान में जापानी आके ठहर गए और बड़ी जल्दी तरक्की करते हैं भाई वो लोग। सुबह की फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचे और शाम को मेरे मकान पे पहुंच गए। मेरे यहाँ आने तक यूं किए खड़े थे, यूं किए खड़े थे, यूं किए खड़े थे। भाई इसका ब्यूटिशियन से क्या ताल्लुक है? अब बता रही हूँ ना, ब्यूटिशियन पीछे पड़ गए आप तो। आप कोई और सवाल पूछूं? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? वहाँ ठीक है। ब्यूटिशियन का दरअसल ऐसा है कि ब्यूटी तो हूँ मैं और शी जैसा कि आप जानते हैं मेरे ख्याल है औरत को कहते हैं। जी जी, शी आप हैं। और येन होता है जापानी करेंसी का नाम। अच्छा अच्छा। ये क्या बना? ब्यूटिशियन। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताइए, आपके जो मियाँ हैं वो भी बाल वाल काटते हैं शायद? जी हाँ, वो स्पेशलिस्ट है, टेंड स्पेशलिस्ट। आज ही सुबह एक सूबाई वजीर के बकरे के बाल काट रहे थे, उसने उनका एक चौथाई गाल काट लिया। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही प्यारी लग रही हूँ। अच्छा ये वजीर जो है उसके बकरे के बाल काट रहे थे? जी हाँ, वो वीआईपी में डील करते हैं, वो वीआईपी में डील करते हैं। अच्छा ये ब्यूटी सलून खोलने का शौक कैसे हुआ आपको? क्या दरअसल मुझे बचपन से पेस्ट्रीज खाने का बहुत शौक। भाई पेस्ट्रीज का इससे क्या ताल्लुक? बेकरी से ताल्लुक? मैं बता रही हूँ कि मुझे बचपन से पेस्ट्रीज का बहुत शौक था। दरअसल पेस्ट्रीज के जो रंग थे वो मुझे शुरू से बहुत ज्यादा इंस्पायर किया करते। अच्छा। तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा काम किया जाए कि जिससे मैं पेस्ट्रीज के करीब रह सकूं। तो मैंने पार्लर खोल लिया। अब वहाँ पर मैं खवातीन के चेहरे पर क्रीम और लोशन की एक ऐसी तह जमाती हूँ कि वो बिल्कुल पेस्ट्रीज मालूम होती। ऐसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल पेस्ट्री लग रही है। अच्छा ये बताएं कि आपके नाम के आगे ये आई आई क्यों लगा हुआ है? उसकी भी बड़ी हसीन सी वजह। अच्छा। दरअसल जब मैं कॉलेज से घर आया करती थी वापस, तो रास्ते में लड़कों की टोलियां खड़ी होती थी, मुझे देखते ही वो आवाजें करते थे आई आई सिद्रा, आई 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 सिद्रा। तो वो नाम मुझे कुछ ऐसा अच्छा लगा कि मैंने हमेशा के लिए अपने नाम के आगे आई आई लगा लिया। बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा वो आपके मियाँ नहीं आए? कैसे आते वो तीन चौथाई मुंह लेकर कैसे आते? सुबह तो उनका कल्ला काटा है बकरे ने। आप ये देखिए कि सुबह 10 बजे बकरे ने उनका कल्ला काटा, अल्लाह आपका भला करे 10:30 बजे मैंने उन्हें छोड़ दिया। अच्छा, तो आपको उनकी याद नहीं आती? नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब काम पड़ता है तो अक्सर याद आती है। कैसी लग रही है? हमारे मुल्क के